तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ये वाला बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चले जाना है टूल्स के ऊपर और यहाँ से चले जाना है आपको रिसाइज पे। रिसाइज पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको कैंसिल कर देना है और 4 बार 3 दबा देना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसको वापस से डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ से कर देना है रिसाइज। तो इससे हमारा फोटो रिसाइज हो जाएगा। इसके बाद आपको चले जाना है ऐड फोटो के ऊपर। ऐड फोटो के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अपने मॉडल के फोटो को कर लेना है सिलेक्ट और यहाँ से जूम करके कर लेना है एडजस्ट। तो मैंने यहाँ पे फोटो को ऑलरेडी कटआउट कर लिया था। अगर आपको भी कटआउट करना ठीक से नहीं आता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आपको यहाँ से इसको क्लिक कर देना है और यहाँ से चले जाना है एडजस्ट पे। एडजस्ट पे जाने के बाद यहाँ से ब्राइटनेस को +5 पे रख देना है और ह्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे -6 में रख देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया और यहाँ से कर लेता हूँ डन और यहाँ से भी इसको कर लेता हूँ डन। ये हो जाने के बाद अभी आपको चले जाना है टूल्स के ऊपर और यहाँ से चले जाना है एडजस्ट पे। एडजस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करके यहाँ से डन कर देना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है ड्रॉ टूल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ टूल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अभी हम शेडो इफेक्ट डालेंगे। इसके लिए जो कलर है आपको यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है और ब्रश के ऊपर क्लिक करके थर्ड वाला जो ब्रश है उसके साइज को फुल रख के और ओपेसिटी को 20 के आसपास रख लेना है और यहाँ से कर देना है सेट। और अपने शूज़ या जिसके भी नीचे इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है और ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके देख सकते हो जितना आपको शेडो चाहिए। तो मैं इतना रख के इसको कर लेता हूँ सेव। ये हो जाने के बाद अभी आपको चले जाना है टूल्स के ऊपर और यहाँ से चले जाना है एडजस्ट पे। एडजस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, प्लस के साइड कर लेना है ऊपर की तरफ और यहाँ से आपको चले जाना है एरेस पे। एरेस के ऊपर जाने के बाद यहाँ से इन्वर्ट कर देना है और आपको यहाँ पे शाइन इफेक्ट लगा लेना है। तो शाइन इफेक्ट डालने के लिए रिस्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है और हार्डनेस को 30 के आसपास रख लेना है और साइज को कुछ इतना रख लेना है। ठीक है, और मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है जिससे शाइन इफेक्ट दिखेगा। तो मैं यहाँ से फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको कर लिया है और यहाँ से कर लेता हूँ डन। और यहाँ पे ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे 19 रख लेता हूँ और यहाँ से इसको कर लेता हूँ डन। ये हो जाने के बाद अभी आपको चले जाना है ऐड फोटो के ऊपर और ये वाली इमेज को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से जो ब्लेंड मोड है उस पर चले जाना है और यहाँ से ब्लेंड मोड को कर देना है ऐड। ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे अपने स्पेट्स के ऊपर लगा लेना है। स्पेट्स नहीं पहने तो आइस के ऊपर भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लगा लेता हूँ और एरेस के ऊपर जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कर लेना है एरेस। तो मैं यहाँ से एरेस कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ डन और इसका जो ओपेसिटी है उसको मैं 78 रख लेता हूँ और यहाँ से भी इसको कर लेता हूँ डन। ये हो जाने के बाद अभी मैं चले जाता हूँ ऐड फोटो के ऊपर। ऐड फोटो के ऊपर जाने के बाद ये वाले जो इमेज है हम लोग अभी सिलेक्ट करें उसको वापस से सिलेक्ट कर लेना है और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको कर लेना है स्क्रीन। स्क्रीन कर लेने के बाद मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इसको हम कर लेंगे फ्लिप। तो यहाँ पे फ्लिप पे जाना है और यहाँ से जिस तरफ भी चाहिए कर लेना है। ठीक है, तो मैं इस तरफ कर लेता हूँ और ये हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करके एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया है और एडजस्ट कर लेने के बाद अच्छे से इसको चले जाना है आपको एरेस के ऊपर। एरेस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कर लेना है एरेस। ठीक है, जो भी बॉडी के ऊपर आ रहा है तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह से मैं वीडियोस लाते रहता हूँ, फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है और यहाँ से कर लेता हूँ डन। फिर यहाँ से भी इसको कर लेता हूँ डन। ये हो जाने के बाद अभी आपको चले जाना है टूल्स के ऊपर और यहाँ से चले जाना है एडजस्ट पे।
एडजस्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस को माइनस कर लेना है, माइनस की तरफ, और जो हाइलाइट्स है उस पर क्लिक करके हाइलाइट्स को इंक्रीज कर लेना है, ठीक है, लगभग इतना। और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डन। इसके बाद आपको चले जाना है ड्रॉ टूल के ऊपर और यहाँ से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके कर लेना है सेव। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, फोटो एकदम फुल HD में है, बिना क्वालिटी लूज करे, और बहुत ही कमाल का है फोटो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना, और कमेंट में भी बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अभी अगली वीडियो पर।